इंसान भी है, उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है, किसी भी टाइम हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम घबरा जाते हैं। तो इसी वजह से, घबराने की वजह से, क्योंकि हर घर में मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग नहीं होते, तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम में, किन किन चीजों का ख्याल रखना। सबसे पहले जो है, आपने घबराना नहीं। तो इसमें क्या होगा कि आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा घर में जो पेशेंट है, या मिसाल गली मोहल्ले में रिश्तेदार, कहीं भी ऐसे हादसात हो सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, मतलब उस पेशेंट को हार्ट अटैक होने वाला है, तो उसमें क्या होगा, पसीने आएंगे, चेस्ट पेन होगा, और ये जो शोल्डर साइड पे, लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे दर्द जो होगा वो खिंचेगा। तो आप समझ जाएं कि इसको हार्ट अटैक होने वाला है, और पसीने आने लगेंगे। बीपी वगैरह तो उस टाइम चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में कोई ऐसे हर जगह सहूलतें मौजूद नहीं होती। तो उसमें आपने क्या करना है, तो अभी हम आपको एक बाइक को रिटायर हुआ है, तो मतलब सर एग्जांपल देने के लिए कि अगर पेशेंट को हार्ट अटैक, आपको ये सारे सिम्टम जो मैंने आपको बताए ये हो रहे हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इमरजेंसी कॉल करनी है एम्बुलेंस को। और उसके बाद अगर घर में डिस्प्रीन, एस्प्रीन, एस्कार्ड, कोई भी ऐसी, मतलब ये जो मैंने आपको नाम लिए, ये टेबलेट पड़ी हुई है, तो वो आपने फ़ौरन पेशेंट को खिला देनी है। हाँ, अगर पेशेंट पहले से कार्डियक है और कार्डिक मेडिसिन ले रहा है, तो उसको वो मेडिसिन भी देनी होगी। बाद पेशेंट होते हैं वो कार्डिक नहीं होते, लेकिन उनको हार्ट अटैक आ रहा होता है, उनको पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, तो उसको सिर्फ हम स्प्रीन देंगे। और उसमें ये कि हम क्या करेंगे कि उस पेशेंट की पोजीशन क्या बनाएंगे, तो वो पोजीशन हम आपको बताएंगे कि पोजीशन क्या बनानी है, ताकि सर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल रहे, और पेशेंट रिलैक्स रहे, और हम इजीली हॉस्पिटल पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। तो गाइज, अभी हम आपको बताएंगे कि उस टाइम हमें कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए, मतलब अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो वो उस पोजीशन में वो रिलैक्स नहीं है, और उसका जो ब्लड फ्लो है, हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके लिए जो बेस्ट पोजीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि पेशेंट की कमर जो है बिल्कुल ऐसे सीधी रखनी है, ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो, क्योंकि और दूसरे हार्ट पे प्रेशर कम हो जाए। टांगे आपने ऐसे करनी है पेशेंट की, ये, और हाथ यहाँ पे। तो भाइयों, इस वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हमारे बहुत से प्यारे हैं जो हमारी लापरवाही की वजह से, हमारे नॉलेज की कमी की वजह से जो है ना, घर पे, मोहल्ले में, कहीं भी हो, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।